আমি যে তোমার শুধু যে তোমার। কপিরাইট লাগ জায়গা ভাই ফির সে। মুঝে ইয়ার সমজ মে নি আ রাহা, অক্ষয় কুমার ফালতু মে রিমেক পে রিমেক বানায়া জা রাহা হ্যায় জিসকা ম্যাজিক চলনে ওয়ালা হ্যায় নাহি, ক্যুঁকি ও সারি মুভি জো হ্যায় অলরেডি OTT পে হিন্দি মে অ্যাভেলেবল হ্যায় অর সবি নে দেখা হ্যায়। মে বাত কর রাহা হুঁ উড়ান মুভি সুরারাই পুত্রু, জো কে ভাই সূর্য অর উনকে ফ্যান্স খুদ নারাজ হো গয়ে থে ক্যুঁকি থিয়েটার পে রিলিজ নাহি হুয়া থা, অর অভি উসি মুভি কা জো হ্যায় রিমেক বননে জা রাহা হ্যায় অর অভি ওয়াহি মুভি জো হ্যায় অক্ষয় কুমার কো রিমেক কে তোর পে মিল রাহা হ্যায়। ভাই আচ্ছি খাসি তুমনে এক মুভি বানা রাখি হ্যায়, ও ভি রিমেক থা মানা, লেকিন প্রিয়াদর্শন কে ডাইরেকশন মে উস টাইম পে ভাই উনকি এক ভি ফিল্ম ও ফ্লপ কভি ভি নাহি হোতি থি। वो मूवी का भाई पार्ट टू आप करो ना यार, लेकिन नहीं, कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 में आ रहे हैं। ये जब न्यूज सुना था उसी वक्त सुनते ही फ्यूज उड़ गया था, जैसे कि हेरा फेरी 3 के अंदर में अभिषेक बच्चन को लिया जा रहा है और यहाँ पे जो है अक्षय कुमार गायब है। छोड़ो इन सारी चीजों को साइड में रखते हैं, सीधा बात करते हैं कि भाई ट्रेलर कैसा है। भूल भुलैया 2 जिसका टीजर जो देख करके काफी क्लास लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ धमाका देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ट्रेलर आया, ट्रेलर देखने के बाद से भाई मेरा फ्यूज तो पूरे तरह से उड़ चुका है, क्योंकि पहला जो वाइब आया ना वो दो मूवी का आया। एक भूत पुलिस जिसमें अर्जुन कपूर और सैफ अली खान थे, जो कि रिसेंटली हॉटस्टार पे रिलीज हुई थी और मुंह के बल गिरी थी, अच्छी थी, मतलब उस तरह से यार हिट नहीं कह सकते। वहीं जो दूसरी मूवी है वो है रूही, जिसमें जानवी कपूर लीड रोल में थी और वो मूवी जो है एकदम भयानक तरीके से फ्लॉप हुई। तो इन दोनों मूवी की वाइब जो है इस ट्रेलर के अंदर में देखने को मिल रहा है, और ट्रेलर का जैसा फर्स्ट हाफ है उसको देख करके समझ में आ रहा है कि भाई जब कार्तिक आर्यन एंट्री मारेंगे तो कुछ फालतू का कॉमेडी सीन्स रहेंगे, जो कि जबरदस्ती जो है सीन्स को बढ़ाने के लिए, टाइम को और ज्यादा खाने के लिए आपके सामने में रखे जाएंगे। इंटरवल के बाद यानी सेकंड पार्ट जो उसका रहेगा उसमें जाकर के कुछ आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल अगर कहा जाए तो कहानी में जो अभी दिखाया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन एक बहुत बड़ा ढोंगी है, उसको कुछ नहीं आता है, वहीं पे संजय मिश्रा जो है एक बेवकूफ पंडित दिखाए जा रहे हैं, और पुराना वाला टच रखने के लिए सिर्फ राजपाल यादव को रखा गया है। अब भाई यहाँ पे जो डायलॉग मारा है ना राजपाल यादव ने, वो पता नहीं किसकी बैंड बजाई है, सलमान खान की या फिर कलर्स पे आने वाले शो की। उससे अच्छा तो बिग बॉस में चले जाते, कम से कम बेइज्जती होने के पैसे तो मिलते। मतलब ओपी था ये वाला लाइन भाई, सच्ची में ओपी था। तो भाई सबके सब ढोंगी बने हुए और अचानक से कुछ ऐसा होगा कि भाई सच्ची में भूत आ जाएगा और उसके अंदर में जाके समा जाएगा। वही कियारा एडवाणी जो है मुझे किसी काम की नहीं लग रही है, यह समझ लो लक्ष्मी बॉम्ब में यानी जो लक्ष्मी जो मूवी थी उसमें जैसे कियारा एडवाणी थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लग रही है, मतलब वेस्टेज है, कुछ काम नहीं आने वाली है। अब ये मत कहना कि उसके सभी मूवी को फ्लॉप बोल रहा हूँ, मूवी अच्छी थी शेरशाह बोलो या फिर गुड न्यूज बोलो, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई दम नहीं लग रहा है। ना कार्तिक आर्यन उस स्वैग को मेंटेन करने वाला है और ना ही वो कॉमेडी टाइमिंग को टच करने वाला है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो पूरे तरह से मुझे वेस्टेज लग रहा है। और तो और इसके ऊपर में जो नाम है ना भाई, वो प्रियदर्शनी का नाम वही नहीं दिख रहा है, तो मेरा भरोसा पूरे तरह से खत्म हो गया है। वैसे भी प्रियदर्शन की अगर बात की जाए तो लास्ट जो मूवी थी हंगामा 2 बहुत बड़ी डिजास्टर थी। तो भाई प्रियदर्शन फिर भी मैं भरोसा कर रहा हूँ अभी भी कि अगर वो होती, उनकी अगर कास्टिंग, उनकी अगर स्क्रीन प्ले देखने को मिलता तो भाई कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ पे तो भाई बात ही अलग है। भूषण कुमार के अंडर में है और टी सीरीज बैनर्स के अंडर में है, तो समझ लो कि मूवी कैसे होने वाली है। सत्यमेव जयते 2 या फिर जो भी मूवी उस बैनर के नीचे में आती है तो उस मूवी का हाल आपको पता ही है। फिर भी लेट्स द फिंगर क्रॉस, जैसे थिएटर पे आएगी मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद मैं लेकर के आऊंगा रिव्यू। तो भाई चैनल पे बने रहो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। काश वो भूतनी के नाम पे विद्या बालन को ले आते, पूरी मूवी को मचा डालती थी वो और एकदम खा जाती थी। नहीं है विद्या बालन, चला लो काम किया रहा है आडवाणी से।